अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक अहम बात आपको बतानी थी कि जिस बात ने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में आग से भर दिया है। ये बात एक मुसलमान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि डीसी यूनिवर्स ने एक बार फिर इस्लाम की तोहीन की, खुदा की तोहीन की। इससे पहले भी मेरी वीडियोस मार्वल इंसल्टिंग इस्लाम और डीसी यूनिवर्स पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो चेकआउट डिस्क्रिप्शन। तो डीसी यूनिवर्स की अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई वंडर वुमेन 1984, तो इस मूवी की मुझे एक छोटी सी क्लिप मिली जिसमें एक टैक्सी के अंदर कार पेंडेंट पर अल्लाह सुबहान व तआला का नाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मौजूद होता है। उस पेंडेंट को स्टीव ट्रेवर मतलब क्रिस पाइन हिट करता है, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब ये सीन कोई सेंस भी नहीं बनाता और इस सीन की कोई जरूरत भी नहीं थी, जबकि दो नाम जो मुसलमानों के लिए सबसे अहम है, उस नाम के पेंडेंट को थ्रो करने का क्या मतलब है? हमारे लिए नाम हमारी जिंदगी है। जब भी हमसे कोई ऐसी गलती होती है तो हम उसको उठाते हैं और चूमते हैं और तौबा करते हैं कि आगे से ऐसी गलती ना हो, और ये कोई गलती नहीं, इस सीन में सब कुछ जानबूझकर किया गया है। क्या ये इतने जाहिल है कि इन्हें इस्लाम के बारे में पता नहीं होगा? मुझे तो नहीं लगता। खैर, जो कुछ भी इन्होंने किया वो बहुत गलत है मुस्लिम के लिए। जरा सोचिए, ये चाहते तो बिना कार पेंडेंट के भी ये सीन कर सकते थे, जबकि इन्होंने तो इस्लाम को इंसल्ट करना था ना, मुसलमानों को बदनाम करना था ना, एंड दे डिड। वन मोर थिंग, ग्रीक गॉड हैव बीन प्रमोटेड इन दिस मूवी। इस मूवी में ग्रीक गॉड डोलस के बारे में भी जिक्र किया गया है। और एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो डीसी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है वो है लूसीफर। यस, एब्सोल्युटली द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन द डीसी यूनिवर्स इज लूसीफर द सैटन। अब जब ये सब एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाया गया है तो इसमें रिलीजियस के कैरेक्टर को क्यों डाला जा रहा है? क्या कभी कोई क्रिश्चियन या मुसलमान चाहेगा कि जिस वाक्य का जिक्र बाइबल में है, कुरान में है, उसको तोड़ मरोड़ दिया जाए या उस पर मनगढ़ंत स्टोरी बनाई जाए? मेरे ख्याल से तो एक बिलीवर कभी ऐसा नहीं चाहेगा। मैं बताता हूँ ये सब किस लिए है, क्योंकि ये शैतान को वर्शिप करने वाले हैं। ये हमेशा शैतान की बड़ाई करेंगे भले वो झूठी क्यों ना हो। शैतान हमेशा खुद को ऊंचा दिखाना पसंद करता है, इसीलिए तो आज शैतान भी एक सुपर हीरो है। खैर, अब मैं चाहता हूँ कि आप इस पर अपनी राय दें कि क्या ये बस एक गलती थी या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा फिर से एक नई वीडियो में। अपना और बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।